नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, हो गया फाइनल आपका DADR महंगाई भत्ता। जी हाँ, हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, उनका जो महंगाई भत्ता है जुलाई 2023 का, वो फाइनल हो चुका है और उसको लेकर सटीक और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ चुकी हैं। जी हाँ, महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से फाइनल हो गया है और इसको लेकर एक लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। चुनाव से पहले DA में जबरदस्त बढ़ोतरी हमें इस महीने में देखने को मिली है, यानी जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी हमें इस बार देखने को मिली है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों से संबंधित हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो, एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो शिमला की तरफ से ये लेटेस्ट प्रेस रिलीज जारी की गई है 31 जुलाई 2023 को। जी हाँ, सब्जेक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जून 2023 का जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो इस प्रेस रिलीज के माध्यम से जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मई 2023 के 134.7 अंकों के स्तर से बढ़कर जून 2023 में 136.4 अंकों के स्तर पर पहुंच गया है। मुद्रास्फूर्ति दर पिछले महीने के 4.42% से बढ़कर इस महीने 5.57% पर रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि इन्हीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके DADR महंगाई भत्ते की गणना की जाती है, जो इस वीडियो में हम आपको आगे लाइव कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आपका महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से कितना बढ़ गया है, आपको कितना मिलेगा। जी हाँ, आपको सही सटीक और ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने ये DA कैलकुलेशन टेबल आ गया है जुलाई 2023 का। जनवरी 2023 में आपका महंगाई भत्ता हो गया था 42%, उसके बाद में जनवरी 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया जिससे आपका महंगाई भत्ता बढ़ गया 43.08%। उसके बाद में फरवरी 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी हुआ जिससे आपका महंगाई भत्ता टोटल हो गया 43.79%। उसके बाद में मार्च का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया जिससे आपका महंगाई भत्ता बढ़ गया 44.46%। उसके बाद में दोस्तों अप्रैल का जारी किया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिससे आपका महंगाई भत्ता हो गया 45.06%। उसके बाद में मई 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया जिससे आपका महंगाई भत्ता हो गया 45.58%। अभी दोस्तों जून 2023 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया है, उसमें हमें ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है जो टोटल हो गया 136.4 अंक हो गए हैं जिससे आपका महंगाई भत्ता बढ़ गया है 46.24%। यानी कि दोस्तों जुलाई 2023 से आपका जो टोटल महंगाई भत्ता बढ़ गया है वो हो गया है 46.24%, यानी कि 46% हो गया है। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे जुलाई 2023 से आपका महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है 4%। यानी कि ये कंफर्म हो गया है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो महंगाई भत्ता मिलेगा जुलाई 2023 से वो 4% बढ़ेगा और इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल आदेश जल्दी ही जारी किए जाएंगे। तो ये थी महंगाई भत्ते के संदर्भ में एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।